इस क्वेश्चन में एक बैग में टू व्हाइट और फोर ब्लैक बॉल्स ऐसा दे रखा है। टू टू व्हाइट और फोर ब्लैक बॉल्स ये दे रखी हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फाइव टाइम्स ईच बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर अनदर इज ड्रॉन, यानी हमेशा हम छह बॉल में से ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट फोर ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट एट लीस्ट, तो देखो व्हाइट आने के लिए तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और ब्लैक बॉल आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। तो पांच बार निकाल रहे हैं, कम से कम चार बार व्हाइट आए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 times व्हाइट, ठीक है ना। हमको मिला के पांच बार ड्रॉ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कम से कम चार बार व्हाइट आनी चाहिए, या फिर 4 times व्हाइट एंड 1 time ब्लैक, ठीक है ना। तो ऑल 5 times व्हाइट आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी दे जाएगी 1/3 की पावर 5, ठीक है ना। 4 time व्हाइट आ जाए तो 5 में से कोई सी 4 बार तो आ जाए व्हाइट, और फिर 1 बार आ जाए ब्लैक, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर 5, ऊपर आ जाएगा 1 + 5c4 (2) ना। तो इसे 5 × 10, 10 × 1 = 11, 11 की पावर 11 / 243, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 3।